रविवार को ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं ओबीसी वित्त निगम के उपाध्यक्ष ओपी चौधरी ने खटियाड़ में ओबीसी सम्मेलन के बहाने हजारों की संख्या इकट्ठा कर आने वाले चुनाव में भाजपा पार्टी को नया संकेत दे दिया है। आपको बता दें कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी तक पार्टी किसी भी प्रत्याशी पर फैसला करने पर असमर्थ है। विकल्प के तौर पर इस बार के चुनाव में नए और ओबीसी चेहरे पर दांव खेलती हुई नजर आ रही है। अगर हम ओबीसी चेहरे की बात करें तो ओपी चौधरी वर्तमान में ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ओपी चौधरी पार्टी से निष्कासित पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत के समय से मौजूदा सरकार व संगठन के साथ भी कंधा से कंधा मिलाकर पार्टी की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आज के सम्मेलन में आई हुई आवाम ने जता दिया है कि इस बार उनका प्रत्याशी अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा। सम्मेलन में पहुंचे हुए जनता को संबोधित करते हुए ओपी चौधरी ने कहा कि मौजूदा समय में फतेहपुर विधानसभा में भाजपा का विधायक न होते हुए भी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ साथ सामान्य वर्ग के लोगों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखते हुए क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई व कार्यों की सराहना की गई। इस मौके पर पंचायत प्रधान सुरजीत सिंह, उप प्रधान हरविंदर सिंह, पूर्व बीडीसी सदस्य सुरेंद्र बड़ियाल, महिला मोर्चा के अध्यक्षा सुमन बाला आदि गणमान्य मौजूद रहे। जो प्रोग्राम है जे ओबीसी मोर्चा का एक कार्यक्रम था, सम्मेलन था। ये जो सम्मेलन है हम हर मोर्चे के पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे वो महिला मोर्चा हो, ओबीसी मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, चाहे किसान मोर्चा हो, सभी मोर्चों के सम्मेलन जो है ऐसे ही हो रहे हैं, भारी जनसंख्या में हो रहे हैं। ये संगठन के द्वारा ही एक निर्देश है कि सभी मोर्चों के कार्यक्रम हर विधानसभा क्षेत्र में हो, तो ये भी कार्यक्रम जो था उसी का हिस्सा था। अनिल जी आपने ठीक कहा, फतेहपुर में बेसिकली ओबीसी बहुल है फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र, पर मैं ऐसा नहीं कह सकता। ये हाईकमान को देखना है कि वो टिकट किसको देगा, जिसको भी देगा हम सब उसके साथ चलेंगे और उसको। सर 15 साल का जो मैंने कभी टिकट मांगी नहीं पार्टी से, ना ही मांग रहा हूँ, ठीक है। पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया हुआ है, ओबीसी मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, वित्त जो फाइनेंस कॉरपोरेशन का मुझे, ओबीसी फाइनेंस कॉरपोरेशन का मुझे वाइस चेयरमैन बनाया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया हुआ है। लेकिन आपने बात कही सूखे की, सूखा इस वक्त खत्म होगा। भारतीय जनता पार्टी जो भी ठीक प्रत्याशी देगी, सारे कार्यकर्ता उसके साथ चलेंगे और इस वक्त सूखा खत्म करेंगे। हाईकमान जो करती है वो ठीक करती है, उन्होंने अपने हिसाब से टिकट ठीक दिया था। नहीं मतलब ऐसा लगता है कि मतलब 3 वर्षों में क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपना कमल खिला पाई है? मैं वही कह रहा हूँ कि जो हाईकमान करती है वही सर्वोपरि। तो इस बार भी मतलब देखा जा रहा है कि रोज आए दिन नए से नए भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी टिकट की मांग कर रहे हैं और रोज अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। अनिल जी, ये हर व्यक्ति का अपना राइट है। नहीं फतेहपुर में ही सर क्यों? नहीं हर जगह ही होता है। फतेहपुर में ज्यादा दिख रहा है, चाहता है कि मैं भी एमएलए बनूं, मुझे भी टिकट मिले, हर किसी का सपना होता है, पर ऐसा नहीं होगा। फतेहपुर में इस बार कमल खिलेगा सर। सरकार अवश्य कदम उठा रही है, ठीक है, सरकार अवश्य इसके लिए कदम उठाने जा रही है। अच्छा सर, मैं उससे सहमत हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो सुविधा सूद ने कहा है नेचुरली ठीक है, पर मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब ये ठीक है उन्होंने जो कहा है, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। उसका अपना वक्तव्य हो सकता है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, अपना वक्तव्य हो सकता है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए फतेहपुर से संजीव खट्टा की रिपोर्ट।